बसमिलीम असल स्टूडेंट्स टुडे द टॉपिक ऑफ़ आवर डिस्कशन इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फ्रॉम द आउटलाइन रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन में फ़र्स्ट हमने ग्लाइकोलिस और फिर साइकिल स्टडी किया था आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ग्लाइकोलिस के प्रोसेस में क्या होता है कि एक ग्लूकोस मॉलिक्यूल जब एंटर होता है इन ग्लाइकोलिटिक साइकिल या ग्लाइकोलिटिक रिएक्शंस uh, तो उसमें वो कन्वर्ट होता है इन द एंड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड या पायरोवेट और वो जो दो पायरोवेट बनते हैं वो फिर एंटर होते हैं इनटू साइकिल क्रैपसाइकल साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड सिंथेसाइज होती है डिफरेंट स्टेप्स पे और कुछ जो हैं एन ए डी एच टू जो है सिंथेसाइज होते हैं और साथ में एफ ए डी एच टू भी उसमें सिंथेसाइज होता है एन ए डी एच टू में भी सिंथेसाइज होता है तो ये जो एन ए डी एच टू है और ये एफ ए डी एच टू है इनसे ए की सिंथेसिस कैसे होती है कैसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं और फिर ए की सिंथेसिस का ज़रिया बनते हैं ये हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में तो फर्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है क्या द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स एम्बिडेड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जैसे कि नाम से जाहिर है कि एक ऐसी चेन जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स कहाँ पर मौजूद होंगे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे आप यहाँ पर देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखाया गया है तो माइटोकॉन्ड्रिया की एक आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके बाद उसकी इनर मेम्ब्रेन है जो आउटर मेम्ब्रेन है ये आपको पता है कि स्मूथ होती है जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ नहीं होती बल्कि उसमें इस तरह से फोल्डिंग्स होती हैं और इसकी जो ये इन फोल्डिंग्स हैं ये क्या कहलाती हैं ये क्रिस्टी कहलाती हैं ठीक है तो ये जो इसकी क्रिस्टी है इन फोल्डिंग्स यहाँ इन क्रिस्टी के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं वो पाए जाते हैं मीन्स ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है यहीं पर होती है ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइट्रोक्रिया और इसके अंदर जो है ये ये मैट्रिक्स कहलाता है और इन दो मैम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है आउटर और इनर मैम्ब्रीन के दरियान की जो स्पेस है वो कहलाती है इंटर मैमब्रेन स्पेस जहाँ पर यह हाइड्रोजनाइज या प्रोटॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं तो यहीं पे पर साइकिल भी होता है माइटोकॉन्ड्रियो में और यहीं से जो है फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ इसके एन और एफ आते हैं और फिर यहाँ पर ए की सिंथेसिस करते हैं ग्लाइकोलिस जो है वो सेल के साइटोप्लाज में होता है या साइटोसोल में होता है जबकि जो क्रेप साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है और जो ई टी सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे होती है द फोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स क्रिस्टी दिस क्रिस्टी कंटेन इलेक्ट्रॉन कैरियर इन द फॉर्म ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जैसे हमने अभी बात की कि इसकी अंदर मेम्ब्रेन जो है इसमें फोल्डिंग्स होती हैं जिनको क्रिस्टी कहा जाता है उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉकिक्यूल्स मौजूद होते हैं और प्रोस्थेटिक uh, ग्रुप्स की फॉर्म में प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड टू मालिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं प्रोटीन uh, के साथ जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं जो कि टाइटली बाउंडेड होता है विद द प्रोटीन द प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स दीज प्रोस्थेटिक ग्रुप्स अल्टरनेट बिटवीन रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड स्टेट्स ड्यूरिंग अलेक्ट्रॉ ट्रांसपोर्ट चेन और ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं जो कि पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एज अ कैरियर मॉलिक्यूल्स तो ये अल्टरनेट uh, होते रहते हैं कि ये रिड्यूज भी हो सकते हैं फिर ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं दे एक्सेप्ट एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि ये एक टाइम में एक्सेप्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स फिर दूसरे टाइम में ये डोनेट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो इस तरह से इनकी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की जो स्टेजेस हैं वो चेंज होती रहती हैं और इसमें जो स्टेप्स पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में उनको हम फर्दर स्टडी करते हैं यहाँ पर आप देखें डाइग्राम दिखाई गई है कि ये माइक्रोकॉन्ड्र की आउटर मेमब्रेन है ठीक है ये उसकी इनर मेमब्रेन दिखाई गई है इसमें क्रिस्टी होते हैं और क्रिस्टी के ऊपर ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कैरियर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये पाए जाते हैं इनके दरमियान जो स्पेस है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाती है अंदर दिखाया गया सिट्रिक एसिड साइकिल ये क्रैप साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता रहता है और इससे बनने वाले जो एन ए डी एच टू हैं या फिर एफ ए डी एच टू है वो फिर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजर के फिर ये जो है ए टी पी की सिंथेसिस करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल भी सिंथेसाइज करते हैं इन द एंड फर्स्ट जो इसमें स्टेप है वो है एन ए डी एच टू एफ एम एन इलेक्ट्रॉस आर रिमूव फ्रॉम फूड ड्यूरिंग ग्लाइकॉलिस एंड क्रेब साइकिल दीज इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म एन ए डी एच टू अब एन ए डी एच टू की सिंथेसिस कब होती है ड्यूरिंग ग्लाइकॉलिस या क्रेब साइकिल ये सिंथेसाइज होता है जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फूड मीन्स ग्लूकोज से रिमूव होते हैं तो उस दौरान एफ एन ए डी एच टू या एफ आगे हम देखेंगे कि एक स्टेप एफ ए डी एच टू भी सिंथेसाइज होता है एन ए डी एच टू ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रॉस टू फ्लेवोप्रोटीन अब एन ए डी एच टू क्या करता है ये अपने अलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता है टू द फ्लेवोप्रोटीन हमने जैसे बात की कि एन ए डी एच टू क्या है ये अलेक्ट्रॉन कैरियर मालिक्यूल है तो ये अपने अलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा टू द फ्लेवोप्रोटीन फ्लेवो प्रोटीन इज़ द फर्स्ट मालिक्यूल ऑफ अलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अब फ्लेवोप्रोटीन जो है ये फर्स्ट मालिक्यूल है अलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और आगे इसको पास करेगा अब ये जो फ्लेवो प्रोटीन्स हैं ये इनफैक्ट ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं इनमें इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो कहलाता है एफ एम एन फ्लैवो फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड तो इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम एन ए डी एच टू अब ये जो फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड है ये फिर ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन्स को टू द आयरन सल्फर प्रोटीन इट इज़ वन ऑफ द फ़ैमिली ऑफ प्रोटीन्स इन विच बोथ आयरन एंड सल्फर आर टाइटली बाउंडेड इन प्रोटीन्स का नाम आयरन सल्फर प्रोटीन इसलिए रखा गया कि इनमें आयरन और सल्फर जो है वो टाइटली बाउंडेड होते हैं और इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन द एफ एम एन रिटर्न टू इट्स ऑक्सीडाइज फॉर्म तो ये फिर जब इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये दोबारा से अपनी जो स्टेट है वो चेंज कर लेता है आयरन सल्फर प्रोटीन टू यूबी उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो आयरन सल्फर प्रोटीन से यूबी क्यूनॉन के पास चले जाते हैं द आयरन सल्फर प्रोटीन दैन पास द इलेक्ट्रॉन्स टू अ कंपाउंड यूबी क्यूनॉन दिस इलेक्ट्रॉन कैरियर इज़ द ओनली मेम्ब्रेन मेंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दैट इज़ नॉट अ प्रोटीन अब पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तमाम जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं सिवाय इस यूबी क्यूनॉन के ये प्रोटीन इन नेचर नहीं है अ मॉलिक्यूल ऑफ एटी पी सिंथिसाइज जूरिंग दिस ट्रांसफ़र और जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं इस स्टेप पे यहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल भी सिंथेसाइज होता है यहाँ पर आप डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करते हैं अब मैं प्रेफ़र करूँगी कि ये जो डायग्राम मैंने दिखाई है आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की ये आप जो हैं अपनी नोट कर लें और इसी को जो है आप फॉलो करें ये आपकी बुक में दी गई है लेकिन प्रेफरेबली मैं इसको जो है एज़ अ रेफरेंस आपको इसको यहाँ से बताऊँगी और इसको स्टडी करेंगे हम तो यहाँ देखें कि यहाँ दिखाया गया है एन ए डी पी एच टू एन ए डी पी एच टू क्या कर रहा है यहाँ पर हमने कहा कि एन ए डी पी एच टू जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है ये आगे ट्रांसफ़र करेगा ठीक है और इसी तरह से प्रोटॉन भी ट्रांसफ़र करेगा एन ए डी पी एच टू जब अपने प्रोटॉन्स मीन्स हाइड्रोजन आयन ट्रांसफ़र करता है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर को तो ये खुद कन्वर्ट हो जाता है एन में ठीक है और इस स्टेप पे जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ट्रांसफ़र कर रहा है नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट कैरियर मॉलिक्यूल को तो ये इस स्टेप पे ए की सिंथेसिस हो रही है ठीक है ए पी इज़ रिएक्ट कम्बाइंड विद फॉस्फेट एंड इट कन्वर्टेड इन टू अब एन अपने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आगे किसको ट्रांसफर करेगा पहले हम पढ़ चुके कि फ्लेविन मोनो और उसके बाद फिर आयरन सल्फर प्रोटीन और देन हम कहते हैं यूबी क्यूनोन तो यहाँ पर जो है हम कहते हैं कि ये जो एन ए डी एच टू है ये अपने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर रहा है टू एफ़ ए डी ठीक है तो मोर प्रेफरेबली यही कहा जाता है कि ये एन ए डी एच टू जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे एफ ए डी को ट्रांसफ़र करता है एफ़ ए डी जब लेता है इसके प्रोटॉन्स मीन्स दो हाइड्रोजन जो हैं इसके इसने लिए हैं तो ये एफ ए डी से कन्वर्ट हो गया है एफ़ डी एच टू में ठीक है इस एफ़ ए डी ने दो प्रोटॉन्स भी लिए हैं इसके और दो इलेक्ट्रॉन्स भी लिए हैं इसके और ये एफ़ डी से कन्वर्ट हो गया है एफ़ डी एच टू में और इस दौरान हमने कहा कि एक ए टी पी मॉलिकूल जो है वो सिंथेसाइज होता है अब ये जो एफ़ ए डी एच टू है ये नेक्स्ट जो है ये ट्रांसफ़र कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किसको यू को अब ये एफ़ ए डी एच टू जब अपने अलेक्ट्र, दोनों इलेक्ट्रॉन्स और दो प्रोटॉन्स मींस एच टू जो है इसके ये ट्रांसफ़र करेगा अगर यू बी किन को इसको दे देगा तो यू बी कौन कन्वर्ट हो जाएगा यू क्यू एच टू दिखाया गया है दो प्रोटॉन्स इसके साथ आ गए हैं अलेक्ट्रॉन भी इसने ले लिए तो ये एफ डी एच टू दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा एफ डी में क्योंकि इसने अपना प्रोटॉन्स जो है ये यू बी -क्यू क्यून को दे दिया और ये यू क्यू एच टू मीन्स यू बी क्यून जो है इसने दो प्रोटॉन्स ले लिए अच्छा अब इस पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मैं ये बताऊंगी आपको कि एक तो एफ़ डी और दूसरा यूबी क्यूनान ये दोनों ऐसे कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं और प्रोटॉन्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं इसके बाद जो भी आगे हैं साइटोक्रोम्स हैं वो सारे के सारे सिर्फ़ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट नहीं करते तो सिर्फ़ एफ़ डी और यूबिक्विनोन ये दो ऐसे कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं और प्रोटॉन्स को भी एट अ टाइम ये दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं जबकि बाकी जो आगे हैं जिसमें साइटोक्रोम मॉलिक्यूल्स हैं तो ये साइटोक्रोम्स सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं और वो भी एक इलेक्ट्रॉन को ये आगे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं तो ये हमने बात की कि यू बी जो है ये प्रोटॉन भी लेता है इलेक्ट्रॉन भी लेता है तो ये कन्वर्ट हो गया यू क्यू एच टू में ठीक है फिर इसके दो इसने जो क्या करना है नेक्स्ट अपने इलेक्ट्रॉन्स इसने देने हैं आगे साइटोक्रोम मॉलिक्यूल को अब ये जो साइटोक्रोम है इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है हीम ग्रुप पाया जाता है जिसके साथ आयरन जो है वो एसोसिएटेड होता है तो इसलिए इसके साथ आयरन दिखाया गया है एफ ई तो ये जो है यू यू क्यू एच टू ये अपने इलेक्ट्रॉन्स तो आगे दे सकता है साइटोक्रोम को लेकिन हमने कहा कि आगे जितने भी कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं ये सिर्फ़ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ये प्रोटॉन नहीं ले सकते तो ये जो प्रोटॉन्स हैं इसके दो हाइड्रोजन आइन ये यहाँ से देखें रिमूव होके बाहर की तरफ दिखाए गए मींस ये बाहर की तरफ जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है वहाँ चले जाते हैं ये सारी चेन कहाँ पर हो रही है ये इनर मेम्ब्रेन पे हो रही है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे और ये जो यू क्यू एच टू से जो दो हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं ये इनर मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है ये वहाँ पर जा रहे हैं तो ये इस प्रोटॉन तो इसने बाहर पंप कर लिए बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेगा वो दे देगा नेक्स्ट कैरियर मॉलिक्यूल जो कि है साइटोक्रोम बी इसके साथ आयरन भी लिखा हुआ है और इसकी इसके ऊपर थ्री पॉजिटिव आइंस दिखाए गए हैं तो ये जो आयरन तो इसका ये जो साइटोक्रोम बी है हमने कहा ये एट अ टाइम एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है जबकि इसके पास कितनी इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हैं तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स जब आगे देगा तो उसके लिए दो साइटोक्रोम बी चाहिए यहाँ पर इसीलिए टू साइटोक्रोम बी लिखा हुआ है तो दो साइटोक्रोम्स जो हैं वो इसके दो इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे मतलब हर एक साइटोक्रोम एक लेगा और ये इसकी जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई गई है इसमें आयरन के ऊपर थ्री पॉजिटिव आइंस हैं ठीक है जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एफ ई प्लस टू टू पॉजिटिव साइन ऊपर दिखाए गए हैं प्लस टू में मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन जब ले लिया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया उसके बाद साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट जाएगा साइटोक्रोम सी के पास ठीक है अब साइटोक्रोम बी से जब सी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे तो इस स्टेप पे भी एक ए मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज होता है ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्राम साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम सी अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा साइटोक्रोम सी के पास तो इलेक्ट्रॉन अगर ये इसको दे देता है तो ये दोबारा आ जाता है अपनी उस रिड्यूस्ड स्टेट में आयरन के ऊपर प्लस थ्री आ जाएगा तो वो अलेक्ट्रॉन जो इसने साइटोक्रोम सी को दिया है तो साइटोक्रोम सी जो है इसके ऊपर प्लस थ्री साइन दिखाए गए थे आ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इंटू आयरन प्लस टू में ठीक है साइटोक्रोम सी के जो साथ जो आयरन है वो प्लस टू में हो गया मीन्स ऑक्सीडाइज हो गया फिर ये साइटोक्रोम सी जो है ये अगर नेक्स्ट ट्रांसफ़र करता है इन इलेक्ट्रॉन्स को तो नेक्स्ट जो कैरियर है वो है साइटोक्रोम ए तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस साइटोक्रोम ए को देगा तो उसी तरह साइटोक्रोम ए की इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन के ऊपर थ्री पॉजिटिव आइंस हैं ये कन्वर्ट हो जाएगा इसकी प्लस टू में ठीक है मींस ये दोबारा ऑक्सीडाइज हो गया बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फिर ये साइटोक्रोम ए जो है ये ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम ए थ्री के पास और जब ये ट्रांसफ़र करेगा तो इस स्टेप पे भी ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम ए टू साइटोक्रोम ए थ्री यहाँ पर भी एक ए टी पी मोलिक्यूल सिंथिसाइज होगा तो उसी तरह से साइटोक्रोम ए थ्री के जो आयरन है ये प्लस थ्री से प्लस टू में हो कन्वर्ट हो जाएगा जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ठीक है फिर ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये नेक्स्ट जो है ये ट्रांसफर करेगा इस इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट आगे है ऑक्सीजन ठीक है ऑक्सीजन को दे देगा ये इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर इस मेट्रिक्स uh, के अंदर मौजूद जो प्रोटॉन्स हैं यहाँ पर टू टू एच प्लस दिखाया गया दो हाइड्रोजन आइन्स या दो प्रोटॉन्स जो हैं इन दो प्रोटॉन्स के साथ ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करेगी साथ में इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है साइटोक्रोम ए थ्री दे रहा है इलेक्ट्रॉन ये देगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके ये बना लेंगे एच टू ओ वाटर तो वाटर की सिंथेसिस इस तरह से होगी ये पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दिखाई गई है जिसमें हमने कहा कि एक एन जब एंटर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो उसमें हम कहते हैं कि उससे थ्री ए टी बनते हैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक दो तीन ए टी मॉलिक्यूल्स बने हैं और अगर एफ एंटर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये क्योंकि इससे लोअर एनर्जी लेवल पर है एफ ये अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होता है तो इससे कितने ए टी मॉलिक्यूल्स बनते हैं वन टू ठीक है इससे टू एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं एन टू से थ्री बनते हैं क्योंकि तीसरा जो है जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है एफ को उस दौरान बनता है तो ये स्टेप क्योंकि एफ में नहीं है ऊपर वाले एनर्जी लेवल पर होता है तो एफ से टू ए टी पी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं अच्छा हमने बात की कि उसके बाद एफ ए डी एच टू से फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब ट्रांसफर होते हैं यूबी क्विनोन को तो यूबी क्यूनोन से फिर आगे जाते हैं साइटोक्रोम्स के पास मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बिटवीन क्विनोन एंड ऑक्सीजन आर प्रोटीन्स कार्ल्ट साइटोक्रोम्स साइटोक्रोम्स जो हैं ये प्रोटीन्स हैं हमने कहा कि इसमें जो इनका प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो हीम ग्रुप होता है जो कि एक ऑर्गेनिक रिंग है इट इज़ सराउंडेड बाय सिंगल आयरन एटम द इलेक्ट्रॉन चेन है सेवरल टाइप्स ऑफ साइटोक्रोम्स और इसमें डिफरेंट जो हैं साइटोक्रोम्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं ऑन द डिफरेंट प्रोटीन विद द हीम ग्रुप तो ये साइटोक्रोम बी है साइटोक्रोम सी वन है साइटोक्रोम सी है साइटोक्रोम ए है ए थ्री है ठीक है तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं और जो लास्ट साइटोक्रोम है ए थ्री वहाँ तक जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो ये किसको पास करता है इलेक्ट्रॉन ये पास करते हैं ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन जो है एक हाइड्रोजन का पेयर जो है लेता है फ्रॉम द एक्वस मीडियम मैट्रिक्स से लेता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से और इलेक्ट्रॉन्स जिसको दे रहा है साइटोक्रोम ए थ्री तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन ये मिलके बना लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल ठीक है और इसी के साथ ए टी पी मॉलीक्यूल जो है वो टू ए टी पी मॉलिक्यूल्स आर सेंटिससाइज ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द साइटोक्रोम साइटोक्रोम्स के टाइम पर दो ए टी पी बनते हैं एक साइटोक्रोम बी से सी की तरफ जाने के वक्त दूसरा साइटोक्रोम ए से ए थ्री की तरफ जाने के वक्त ठीक है और टोटल जो है एन ए डी एच टू की इस ट्रांसपोर्ट चेन में आने से थ्री एटीपी मॉलिक्यूल हैं वो सिंथेसाइज हुए हैं एफ टू एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अनदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द ट्रांसपोर्ट चेन इज़ एफ ए डी एच टू आपको याद होगा कि क्रैप साइकिल में एन ए डी एच टू के साथ एक एफ ए डी एस टू भी बना था तो एफ ए डी एच टू जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आता है तो हमने कहा कि ये एन ए डी एच टू से लोअर एनर्जी लेवल पर है तो इससे फिर टू ए टी पी मॉलिक्यूल जो हैं वो सिमथिसाइज़ होते हैं एफ ए डी एच टू इट्स टू ट्रांसपोर्ट चेन एट अ लोअर एनर्जी लेवल दैन दैट ऑफ एन ए डी एच तो यही वजह है कि इससे एनर्जी जो है कम सिंथेसाइज होती है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मेक्स नो ए टी पी डायरेक्टली इट्स फंक्शन इज़ टू पास इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फूड टू ऑक्सीजन अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये डायरेक्ट जो है सिंथेसाइज नहीं करती ए टी पी की जो सबस्ट्रेट लेवल फॉर्स है डायरेक्ट सिंथिसजी ए टी पी की वो नहीं होती बल्कि इसमें इसका फंक्शन क्या होता है कि इसने इलेक्ट्रॉन्स को स्टेप बाय स्टेप पास करना है एंड इट ब्रेक्स आ लार्ज फ्री एनर्जी ड्रॉप अ सीरीज़ ऑफ़ स्मॉलर स्टेप्स डेट रिलीज एनर्जी इन मैनेजेबल अमाउंट्स तो ये हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स जब मूव uh, करते हैं तो कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और uh, कुछ प्रोटॉन्स जो है मूव करते हैं तो वो प्रोटॉन्स जो हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से ए टी पी की सिंथिस होती है और इस मेकानिज़म को केमी ऑसमोसिस कहा जाता है फॉर द दिनथिस ऑफ ए टी पी माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज ए टी पी डिंग अ मैकेजम कार्ड केमियामोसिस तो यहाँ पर ये जो तीन स्टेप है रेस्पायरेशन के जिसमें फर्स्ट ग्लाइकोलिस दैन साइकिल और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये इन द एंड हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पर क्या प्रोडक्ट आया है हमारे पास वाटर सिंथिसाइज हुआ और आप जहन में रखें कि रेस्पारेशन में होता क्या है कि जो ग्लूकोज या जो फूड सिंथिसाइज़ होती है ड्यूरिंग उसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिएक्ट करता है ग्लूकोज का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ और हम कहते हैं प्रोडक्ट्स में क्या आता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो कार्बन डाइऑक्साइड आप जहन में लाएँ कि क्रैप साइकिल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड सिंथेसाइज हुई थी और जो वाटर सिंथेसाइज हुआ है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड पे सिंथेसाइज हुआ है थैंक यू अल्लाह हाफिज़